नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों हो जाइए, आने वाले अगले 5 दिन बहुत ही ज़्यादा सावधान, क्योंकि यह समय आपके लिए कोई साधारण सा समय नहीं रहने वाला है। क्योंकि इन समय अंतराल में अंतरिक्ष के ग्रहों ने अपनी चाल कुछ इस तरह से बदल दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ही बड़े भयानक घटनाओं का अंजाम देने वाली हैं। जी दोस्तों, तो आप सभी को हम बता दें कि ऐसे में नकारात्मक ग्रह इस फिराक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो बाजी पलट दे। जी दोस्तों, तो ऐसे में आपको यह समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तो किन किन बातों से यह समय आपको बचकर रहना होगा, और साथ ही यह समय अंतराल में आप लोगों को क्या क्या सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, जिससे आप अपने जीवन काल में अपना कर आप लोग खतरों से बच सकते हो। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप आने वाले इन दिनों को सुरक्षित कर लेंगे और उसे आप बेहतर भी बना सकेंगे। जी दोस्तों, तो इसलिए आप लोग समय निकाल कर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे इन समय अंतराल में आप लोगों के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियां भी मिलने वाले हैं। दोस्तों सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को हम बताएंगे, परंतु इससे पहले अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को आप पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे, और ज्ञान स्वयं तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर सा शब्द ही बोला है कि उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है जिसके पास सब्र का ताकत है। जी दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखेंगे। दोस्तों अगर भगवान श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो और सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो आज दोस्तों बात करते आने वाले इन 5 दिनों के अंदर आप लोगों को कौन कौन से बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही यह समय अंतराल में आप लोगों को क्या क्या सावधानी भी बरतने की आवश्यकताएं होंगी, और साथ ही यह समय आपके ज़िंदगी में कौन कौन से अशुभ तो कौन कौन से शुभ घटनाएं भी घटने वाली हैं, और आपके जीवन काल में इसमें क्या क्या खुशखबरियां भी दस्तक देने वाली हैं, साथ ही क्या क्या परिवर्तन और बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों सारी जानकारियाँ आप लोगों को हम बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में किसी भी चीज़ पर या फिर किसी भी क्षेत्र में घमंड और अहंकार मत करना, वरना आपको यही घमंड आपको ले डूबेगी। जी दोस्तों, तो इन बातों को यश में आप लोग ध्यान रखेंगे, और साथ यश में आप लोग अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यश में आपके वाणी से कुछ भी अपशब्द भाषाएं निकल सकती हैं जिनसे आप लोगों को कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और ख़ास बात तो यह है कि यह समय आपके वाणी से ही बात बनेगी और आपके वाणी से ही बात बिगड़ेंगी, तो यह समय आपको अपने वाणी पर काफ़ी ज़्यादा सुधार रखने की आवश्यकताएं भी होंगी और संयम रखने की भी और आवश्यकताएं भी होंगी, और यह समय आप लोगों को उन लोगों से बेहद ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकताएँ हैं जो आपके विरोधी हैं और जो आपके शत्रु हैं, क्योंकि वे आपके खिलाफ यह समय कुछ बड़ी साजिश करने की सोच रहे हैं, या तो आपको किसी बड़े मुसीबत में डालने का प्रयास भी ऐसे में कर सकते हैं, तो उन लोगों से आप लोग ऐसे में 10 कदम दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, और ख़ास बात यह है कि ऐसे में आप लोग किसी भी
लोगों पर विश्वास और भरोसा बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपकी वही भरोसा और विश्वास ऐसे में आप लोगों को ले डूबेगी जी दोस्तों, और आपका सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहने की भी आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों ऐसे में अगर आप पैसों के लेन देन कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रा सावधानी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ऐसे में आप लोग ज़रा सावधानी से पैसों के लेन देन करें। और दोस्तों जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे में सब कुछ क्लियर करके आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकताएँ होंगी, अन्यथा आपके साथ कुछ बड़े धोखेबाजी भी ऐसे में हो सकते हैं जी दोस्तों। तो ऐसे में आपको हर मामले में हर चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों ऐसे में किसी के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि वह किसी के अपमान का कारण बिल्कुल भी ना बन जाए, अन्यथा आपको बाद में बहुत बड़े मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ऐसे में आपको आलस्य और अभिमान से बचने की बहुत ही आवश्यकताएँ रहेंगी। कार्य क्षेत्र में अपने काम को समय पर और बेहतर तरीके से पूरे करने के लिए आपको जूनियर और सीनियर दोनों को ही मिलाकर चलने की आवश्यकताएँ रहेंगी। इस दौरान आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद ही मनचाही सफलता भी मिलेंगी, और मानसिक तनाव एवं उलझनों के बावजूद आपको इसमें धन लाभ के कई अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन समय रहते ही आपको उनका फायदा उठाना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेंगे। और दोस्तों पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभता और शुभाग के लिए रहने वाला है। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले में की यात्रा आप सभी के लिए मनचाहा लाभ होगा और कारोबार में विस्तार को बढ़ाने वाले साबित भी होंगे। यात्रा धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान बढ़ाने वाले भी साबित होंगे, और इस दौरान आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में खूब लगेगा। किसी भी संस्था या फिर संगठन से जुड़ने का या फिर उसके द्वारा विशेष पद की प्राप्ति भी संभव है। और दोस्तों कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में फैसला आपके पक्ष में यह समय आ सकता है। और दोस्तों इस राशि के जातकों का यह समय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेंगे और प्रेम संबंध में यह समय प्रगढ़ता भी आएंगी। और दोस्तों जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे यह समय विवाह में तब्दील भी हो सकते हैं। और दोस्तों वैवाहिक जीवन या समय आप लोगों का सुखमय भी बना रहेगा, और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के कई कई अवसर भी आप लोगों के यश में प्राप्त होगा। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में जो परेशानी भी चल रही उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी, और आप लोगों को अचानक से कुछ बड़ी खुशखबरियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों खुशखबरियाँ ऐसे होगी कि सुनकर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से नाच उठेंगे जी दोस्तों। और यश में आपके कई ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होगी, और कई ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को ऐसे में नुकसान भी होगा। तो ऐसे में आप लोगों को ऐसे में थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकताएं होंगी।